हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई होप आप लोग फिट फाट होंगे। दोस्तों, ये जो मैंने कल एक्वेरियम सेट किया था प्लांटेड वाला, जिसके अंदर मैंने एक स्पीशी काम में ली थी, वो लिया था मैंने रेड टाइगर लोटस। इसका जो टेक्निकल नेम है या साइंटिफिक नेम है, नाइफिया जेंकी। आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, नाइफिया जेंकरी इसका जो है टेक्निकल नेम। दोस्तों, ये बहुत हार्ड प्लांट है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। इसकी पहचान, कुछ मित्रों ने पूछा कि आप कैसे पहचाने कि भाई ये शॉप पे हम जाते हैं तो कैसे पता लगे कि हम जो ले रहे हैं वो टाइगर रेड टाइगर लोटस प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक बहुत आसान सा तरीका मैंने बताया था कल भी, मैं आज दोबारा रिपीट करता हूँ, वो है कि इसकी जो लीव्स के नीचे का कलर आएगा वो होगा पर्पलिश शेड लिए हुए आएगा। एक्चुअली ये जो लोटस है, ये लिली पैड्स होते हैं और इनकी राउंड लीव नहीं होने के बाद, राउंड लीव नहीं होती हैं। अलावा ये आपको एरो, इसकी जो हेड जो लीव मिलेंगी वो एरो शेप लीव आएंगी। रेड कलर की लीव डेवलप करता है ये, इसकी खासियत है। अगर लाइटिंग बहुत अच्छी है, हैवी लाइटिंग आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रेड कलर की लीव इसकी डेवलप होंगी, ये इसकी खासियत रहेगी। और नीचे से बॉटम जो लीव का है वो रहेगा पर्पलिश कलर का, है ना, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। और अगर जो सॉइल आपने लिया है वो आयरन रिच नहीं है, आयरन रिच सॉइल नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो लोटस की लीव्स हों वो ग्रीन कलर की भी डेवलप हो। ये इसका एक बेसिक क्राइटेरिया इस तरह से सेटअप होता है। बहुत आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसका जो ब्लॉसम आएगा, यानी जो उसमें जो फूल जो निकलेंगे, वो निकलते हैं जनरली वाइट कलर के, डिपेंडिंग के आप कौन सी स्पीशी ले रहे हैं। और इसके अलावा इसमें ब्लू कलर और रेड कलर के फ्लावर भी आते हैं, डिपेंडिंग कौन सी स्पीशी आपके पास। और इसके कॉम्बिनेशंस हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन के तरीके हैं, उसको सेंचुरीज़ के अकॉर्डिंग इनमें अलग अलग कलर डेवलप किए गए हैं। दोस्तों, ये जो रेड लोटस है, इसका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ लेता है वो। तो इसके लिए इसके आजू बाजू अपन छोटे प्लांट नहीं लगाएंगे, यही कारण है कि मैंने इसका सिंगल स्पीशी टैंक बनाया था। और अगर अपन इसको नॉर्मल एक्वेरियम या प्लांटेड एक्वेरियम में भी काम में लेते हैं या उसके अंदर इस स्पीशी को ऐड करते हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग ज़रूरी है इसका, यानी कि इसका जो फ्लावर हो या जो सीड्स जब निकलती हैं इसकी, वो कंट्रोल की जाएँ। जो सीड्स निकलेंगी वो एक्चुअली इसके फुट पर निकलेंगी, जो इसकी लीफ आती है पानी के बाहर आ जाती हैं उनके ऊपर आती है। अगर आप ये नहीं चाहते कि ये पूरा एकदम फैल जाए और अनकंट्रोल हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको उन लीव्स को कट कर देना चाहिए। इसका तरीका है कि हम इसकी जो ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं उस तरह से। और भी तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो बड, जो इसकी जो जड़ें हैं उनको भी हम कवर कर सकते हैं एक नायलॉन नेट के अंदर, या हम किसी कंटेनर के अंदर उनको लगा सकते हैं ताकि उस एरिया से बाहर वो नहीं ग्रोथ दें। एक कारण ये तरीका है, अगर आप इसको कम्युनिटी टैंक में या बहुत हैवीली जिसमें अलग अलग स्पीशी आपने लगा रखी है प्लांट की, उनके साथ अगर आप इसको मेंटेन करें तो। इसके अलावा ये बहुत अच्छा प्लांट है जिसको आसानी से आप डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका एक जो जिसे जिस कारण से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, उसका ये है कि ये बेसिकली पानी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं या पानी के अंदर जो हार्डनेस है, उसको बहुत जल्दी से सही कर देता है। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके पास एक 50 गैलन का भी सॉल्टेड टैंक है या हार्ड वाटर टैंक है, अगर पानी है हार्ड वाटर का, तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा विद इन फ्यू वीक्स। वो खासियत इसी प्लांट के अंदर है, इसलिए आप इसको इजीली रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आपको इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और जो और तरीके अपन इसको मानते हैं, तो वो ये है कि आप इसकी छटाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है बेसिकली, तब ये इसका तरीका है। और इसकी सीडिंग कंट्रोल करनी पड़ती है। इसका जो फ्लावर अगर आपको चाहिए इसके प्लांट के अंदर, कि आप चाहें कि भाई मुझे इसमें फ्लावरिंग भी चाहिए एक्वेरियम के अंदर, तो उसका क्या तरीका रहेगा? उसका तरीका ये रहेगा कि आप इसके अंदर जो लाइट इंड्यूस करें वो रेड कलर का लाइट इंड्यूस करें, रेड कलर का लाइट लगाइए या येलो या ऑरेंज लाइट लगाइए, उससे आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ब्लॉसम करेगा, ये फ्लावर्स आपको दे देगा, ये इस प्लांट के लिए और आपके एक्वेरियम के लिए बहुत सुंदर लुक देने वाली चीज़ हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर ओनली 3 वॉट की लाइट के अंदर आप बहुत अच्छी ग्रोथ इंड्यूस करा सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, इसका लुक बहुत डिसेंट आने वाला है। मैंने इसको कल इंस्टॉल किया था, इस पूरे एक्वेरियम सेटअप को कल मैंने लगाया था
और आज आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है विद इन वन डे, जितना मुझे उम्मीद नहीं थी उतनी अच्छी ग्रोथ इसने दी है। देखिए कोशिश करता हूँ मैं आपको हाईलाइट करा सकूँ, ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी दी है इसने मुझे। और ये चीज़ जो है बहुत, और प्लांट के अंदर ये चीज़ें बहुत मुश्किल से आप रीच कर पाएंगे, इसमें ये बहुत आसान है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ में और भी प्लांट लगाए जाएं या मैं इसको और हाईलाइट करूं और इनरिच करूं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो तरीके मैंने बताए आपको, आप इसको उस तरह से कंटेन कर सकते हैं। ख़ासकर जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था उस समय इसकी जो बडिंग वगैरह थी उसको मैं एक नायलॉन के नेट में या नायलॉन के कपड़े में पैक कर सकता हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना करे, क्योंकि उस कंडीशन में ये आजू बाजू की सारा न्यूट्रिशन ले लेगा और उन प्लांट्स तक वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे, वो चीज़ अपने को चेक करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप लगाएं तभी जब आप इनकी जो कंटेन, इसको जो प्रॉपर कंटेन कर सकें, तब आप उसमें और नए प्लांट लगाएं या दूसरे प्लांट लगाएं। और दूसरी बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि बहुत ज़्यादा पास इसके प्लांट आप ना लगाएं, ये आपके एक्वेरियम के अंदर से नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयरन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO2 एंड ऑल अदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ये एब्जॉर्ब कर जाता है उस एरिया के, और जो इसके बहुत पास प्लांट लगे हैं वो जनरली डैमेज हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे या उनमें वो ग्रोथ नहीं होगी जो आप चाहते हैं। तो और प्लांटों को बचाने के लिए अपन इसके आजू बाजू बहुत कम प्लांट करेंगे या बहुत रेयर प्लांटिंग करेंगे इसके साथ। और फ्रेंड्स रेड टाइगर लोटस आपके एक्वेरियम के अंदर बहुत ही सुंदर एडिशन हो सकता है, बट आप प्रिकॉशन ज़रूर रखें, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करके चलें, तब आप इसका लुक दुगना कर पाएंगे। और अगर आप फ्लावरिंग इंड्यूस करना चाहते हैं तो इसको रेड लाइट या येलो लाइट आप दें, उससे बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी इंड्यूस होगा। और दोस्तों ये जो प्लांट है अपना, ये एल्गी जो ग्रोथ होती है उसको भी काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि ये CO2 का जो मेजोरिटी पोर्शन है वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर जाता है। तो एक तरह से अपना जो एल्गी डिपॉजिट है या एल्गी जो आ जाती है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। दोस्तों इसकी ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने कल एक्वेरियम सेटअप किया है, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए विद इन वन डे ये ग्रोथ है इसका, ये पूरा ये एरिया पूरा आई डेवलप हुआ है, वन नाइट के अंदर इसने इतना ग्रोथ दिया है। ये नई शूटिंग्स हैं, ये निकल रही हैं इसकी नई लीव्स, ये ग्लास फिशेज भी इंजॉय कर रही हैं पूरा टैंक। कल ये घबराई हुई थी जब मैंने नए टैंक में छोड़ा था इन्हें, बट आज इनको बहुत मज़ा आ रहा है। ये प्लांट का मैं आपको ऊपरी हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ अब लीव्स इसकी आ गई हैं। देखिए फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर वाटर है इस टैंक का, ये लीव्स हैं जिनके ऊपर अगर आप इसमें रेड लाइट देंगे तो ये इंड्यूस करेगा इसकी फ्लावरिंग। आई होप मैं आपको वाला वीडियो भी ऐड करूंगा। इसकी आगे की ग्रोथ भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ये आज का सेकंड डे है, नेक्स्ट इसका जो आगे का सीन होगा जैसा भी डेवलप होगा ये मैं आपको अपडेट करूँगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।